तेज हरियाणा के यूट्यूब चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे उपचुनाव एलनाबाद की, जहां पर तीसरी बार एक मरतबा फिर से 30 अक्टूबर को जो उपचुनाव होगा और जिसमें सीधे तौर पर इस बार जो फाइट है वो INLD बनाम कांग्रेस रहने के आसार हैं, वो नज़र आ रहे हैं। जहां पर इस बार 185,000 जो मतदाता हैं वो किस्मत का फैसला करेंगे और ये देखना होगा कि इस बार इलाहाबाद की जनता किसके साथ जाएगी, क्या वाकई ही इस बात का पूरा क्रेडिट INLD को मिलेगा। आपको याद होगा 26 जनवरी को अभय सिंह चौटाला ने यहीं से अपने पद से इस्तीफा देकर इस सीट को खाली किया था और हरियाणा बनने के बाद इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र का तीसरा जो उपचुनाव है वो अब होगा। इससे पहले 1970 व 2010 में भी उपचुनाव हो चुके हैं। 3 बेल्ट में बंट रहे इलाहाबाद हल्का पूरी तरह से राजस्थान के बॉर्डर के साथ सटा हुआ है। उपचुनाव का अगर उल्लेख करें हम तो इससे पहले 1970 में विशाल हरियाणा पार्टी में जीते लालचंद खोड़ का चुनाव न्यायालय में खारिज होने के बाद लालचंद खोड़ 12 मई 1968 को ओम प्रकाश चौटाला को हराकर 5331 मतों से जीते थे, मगर चुनौती दी गई। उसके बाद पहले विधायक 1967 में कांग्रेस की टिकट पर प्रताप सिंह चौटाला यहाँ से जीते और लालचंद खोड़ को प्रत्याशी जो थे वो चुनाव में हार गए थे। 2009 में भी चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री OP चौटाला इलाहाबाद से चुनाव लड़े थे। दोनों जगह चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इलाहाबाद से इस्तीफा दिया। तो उसके बाद 2010 में उपचुनाव हुआ जब पहली बार अभय सिंह चौटाला ने चुनाव जीता था। कांग्रेस के भरत सिंह बैनीवाल पराजित हुए थे। इसके बाद 2014 में फिर से चुनाव में अभय सिंह चौटाला ने BJP के पवन बैनीवाल को हराया और इस चुनाव में अभय चौटाला ने रिकॉर्ड तोड़ 69,000 से ज़्यादा मतों से जो अपना सर्वाधिक मत प्राप्त करने का रिकॉर्ड है वो उन्होंने अपने नाम है वो 2014 के चुनाव में किया था, जहां पर BJP के पवन बैनीवाल को 57,000 से ज़्यादा मत मिले थे और कांग्रेस के भरत बैनीवाल को करीब 35,000 के आसपास मत मिले थे। और 2019 में अभय सिंह चौटाला फिर से विधायक बने थे, उन्हें 57,000 मतदाताओं का समर्थन हासिल हुआ जबकि पवन बैनीवाल को 45,000, OP चौटाला को 2009 में 64,000 मत हैं वो मिले थे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर 12 चुनाव में अब तक 10 बार INLD ने जीत दर्ज की है, यानी समीकरण ये बनते हैं कि यहाँ पर INLD का ही हमेशा दबदबा रहा है और सीधे तौर पर हरियाणा में एकमात्र INLD की ऐसी सीट सेफ मानी जाती है इलाहाबाद, जहाँ पर ताऊ देवीलाल का ऐसे गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार BJP और कांग्रेस इस गढ़ में भेद लगाने के लिए इसे गढ़ ही नहीं मान रही है, जहाँ पर BJP इस बार इस चुनाव को अवसर मानकर चल रही है कि इस बार अवसर हमारे लिए है जिसको हम उपलब्धि में बदल देंगे, ये वक्त बताएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर चुनाव, आपको बताता हूँ, 1967 में प्रताप सिंह चौटाला कांग्रेस से जीते थे, 1968 में लालचंद विशाल हरियाणा पार्टी से, ब्रिजलाल 1972 में कांग्रेस से, 1970 में भागीराम जनता पार्टी होती थी, 1982 में भागीराम लोकदल था, तब 1987 में लोकदल, 1991 में मणिराम कांग्रेस से, 1996 में भागीराम फिर समता पार्टी बनी, 2000 में भागीराम फिर NLO से जीते, 2005 में सुशील द्वारा NLO से, OP चौटाला यहाँ से 2009 में जीते और 2010 में अभय चौटाला, 14 और 19 में भी अभय चौटाला यहाँ से जीते थे। चुनाव घोषित होने के बाद गांव में चुनावी रंग है वो चढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ तो उसके बाद चुनावी चर्चा शुरू हो गई है। अभय चौटाला के सामने कौन कौन उम्मीदवार होंगे, हो सकता है सबसे ज्यादा इसी पर चर्चा जो हो रही है। और कांग्रेस और BJP के संभावित उम्मीदवारों के बीच में जननायक जनता पार्टी के खाते में टिकट जाएगा या फिर कैसे होगा, ये भी अभी तक चर्चाएं हैं वो चल रही है। इस बार इस चुनाव में एक खास बात आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये फसल क्रॉपिंग यानी कि नरमी की चुगाई का वक्त है, तो अब किसान खेत में है। ये ऐसे वक्त में चुनाव है जब बहुत मेहनत यानी कि पगडंडियों से तमाम नेताओं को खेतों से गुजरना होगा, क्योंकि अभी खेतों में व्यस्त सीजन है। अगले 20 दिन तक किसान काम करेंगे, धान गवार की बात करें, बाजरा मूंग की कटाई में लगे हुए हैं, कपास भी खिली हुई है, नरमी की फसल जोरों पर है। तो किसान सीमांत हो या फिर बड़ा जमींदार, सभी को खेत में ही काम करना होगा। ऐसे में चुनावी मैदान में उतरी जो पार्टियां हैं वो नेताओं से खेतों में जाकर संपर्क स्थापित करेगी। इस बार सबसे बड़ी बात है रोड शो नहीं होगा किसी भी नेता के लिए, हिदायतों के अनुसार किसी भी पार्टी का रोड शो की अनुमति नहीं है, वाहनों का बड़ा काफिला भी नहीं चल पाएगा, आप बहुत बड़ी रैली नहीं कर पाएंगे,
घर घर जाकर ही जनसंपर्क करना होगा। इस पर 72 घंटों के लिए साइलेंट है वो चुनाव प्रचार होगा। अगर कोई भी बड़ा नेता आता है तो 30% कुल क्षमता होगी इंडोर में, 200 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते, और खुले में 50% यानी कि 500 के आसपास की भीड़ है। और अगर बड़ा आपका स्टार कैंपेनर आता है तो आपको मीटिंग है वो खुले में रखनी होगी, 1000 से ज़्यादा भीड़ नहीं हो सकती। तो ये तमाम जो बातें हैं, तो अब देखना ये होगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर रखिएगा। आपको क्या लगता है इलाहाबाद चुनाव में इस बार INLD क्या अपनी 11वीं बार भी जीत दर्ज करेगी, और किसान आंदोलन का सीधे तौर पर सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? क्योंकि BJP ये कह रही है कि किसान कोई मुद्दा नहीं है, किसान आंदोलन की कोई परवाह नहीं है। अभी इनके तरफ से जो उनकी BJP की नेत्री है निताशा सिहाग की तरफ से अभी अभियान की शुरुआत की गई है, मिला जुला सा रहा है उनका, उनका विरोध भी हुआ है, कई जगह उनकी फूलमालाओं के साथ स्वागत भी हुआ है। मगर प्रोटोकॉल ऐसे इस हिसाब से इस बार सेट किया गया है कि नेताओं को ज़्यादा भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं होगी। और अगर किसान आंदोलन को देखते हुए ये भी है कि विरोध हो सकता है, आपको क्या लगता है INLD यहाँ पर इस बार कितना बड़ा रिकॉर्ड दर्ज करेगी? तमाम बातें आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखिएगा। इलाहाबाद से जुड़ी हर अपडेट आपको तेज हरियाणा पर मिलेगी, बेझिझक रहिए, आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और किसके साथ होगा इलाहाबाद, हमारा जल्दी ही सेगमेंट शुरू होने वाला है और मैं गाँव जाकर हर उस नुक्कड़ सभा में जाऊंगा, अब तक जीरो ग्राउंड जीरो से मैं रियलिटी चुनाव की जरूर दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।